दिया जाए, ठीक है, जनता की आवाज। आज अरवल जिले के अतौला में जो करपी प्रखंड पड़ता है उस अतौला ग्राम में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 121वें जयंती के अवसर पर यहाँ बहुत से गणमान्य लोग हैं जो कि बाबा साहेब के बहुत धूमधाम से जयंती मना रहे हैं। आइए हम उन लोग से जानते हैं कि आखिर बाबा साहेब के जयंती आप क्यों मना रहे हैं, क्या सोचते हैं, अब बाबा साहेब को जयंती मनाने के पीछे क्या है। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं जो इस क्षेत्र के जाने माने हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, उनसे मैं आपको परिचय कराऊँ। सर आपका परिचय कराऊँ। मेरा नाम चंद्र पासवान है और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का हम बिहार के सेक्रेटरी हैं। तो आज सर जो अम्बेडकर साहब के जयंती मनाया जा रहा है, किस रूप में आप देख रहे हैं, आखिर जयंती क्यों मना रहे हैं? हम आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 121वीं जयंती मना रहे हैं। हम आज यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के छात्रों से, यहाँ के मूल निवासियों से हम चाहते हैं कि आज जो बाबा साहब के संविधान है, जिस संविधान पर पूरे देश चल रही है, वह संविधान के साथ हमारे देश के कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ छेड़छाड़ नहीं करें। हमारे संविधान में जो बाबा साहब जो जो संविधान है, वो संविधान पर हमारा जो अधिकार है, हमारा जो मूल जो अधिकार है, उस अधिकार को लागू करें। अतः अगर सरकार चाहती है कि हम संविधान को ख़त्म करके हम अपने नए सिरे से देश के अंदर जो है एक नई दिशा में ले जाएंगे, देश को गुलामी की दिशा में ले जाएंगे, तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम नौजवानों को बुलंद कर रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान जो आज़ादी के बाद संविधान मिली है, हमारा देश आज़ाद रहे, कोई बड़े पूंजीपतियों के हाथे, व्यक्ति पूंजीपतियों के हाथे यह देश गुलाम नहीं हो। हम इसके लिए तमाम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, तो संविधान में जब आरक्षण लिखा है तो आरक्षण से कैसे देश बर्बाद हो, इस तरह क्या बोलेंगे? हमें कहना है कि हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जो मूल निवासियों के लिए जो अधिकार मिले हैं, जो शिक्षा के अधिकार मिले हैं, रोजगार के अधिकार मिले हैं, वो सारे अधिकार को हमको सरकार दे दे, हमको हिस्सेदारी उसमें नहीं चाहिए। हमें जो देश के अंदर जो मिला है हमको वही दे दे, आरक्षण वो अपना रखे लेकिन हमारा अधिकार दे। देखिए इन्होंने साफ कहे कि आप आरक्षण रखिए लेकिन हमें अधिकार दीजिए, और हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर अपना क्या परिचय बताएंगे? राजकपूर सेना। तो बताइए सर, जो आज बाबा साहब के जो 121वीं जयंती मनाई जा रही है, आखिर क्या सोच के आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, उनका कितना आप लोग बाबा साहब के जो संविधान है उनको कितना आप लोग मानते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सारे चीज़ पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 121वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं, और सबसे पहले हम अपने यहाँ नौजवान साथियों से, प्रबुद्ध साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप शिक्षित बनो। यहाँ पे किसी तरह का कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षित बनो, संगठित बनो। जब शिक्षित हम बनेंगे, हमारा समाज जब शिक्षित बनेगा, तो निश्चित रूप से उनके सारे संविधानों को, उनके सारे विचारों को अपने हृदय में उतारेंगे और उस सिद्धांतों पर चलेंगे। शिक्षा का अभाव है जिसके वजह से नशा भी हमारे समाज से दूर नहीं हो रहा है, और इसे छोड़ना होगा। यह मैसेज जो है हम देने के लिए यहाँ आए हैं कि उनके सिद्धांतों को अगर बखूबी हमके हमारे अपने जीवन में उतारना है, अपने समाज में उतारना है, तो सबसे पहले शिक्षित बनिए, उसके तरफ आप प्रयासरत रहें, नशा को छोड़ें। देखिए इन्होंने साफ कहे कि सबसे पहले इस समाज को नशा से दूर होना होगा, जब तक ये समाज नशा में लिप्त रहेंगे आपका विकास नहीं होगा, शिक्षित बनना होगा, नशा से दूर आना, इनका कहने का मेन उद्देश्य। सर एक बात और बताएंगे, बहुत से लोग जो बाबा साहब को तो जानते हैं लेकिन उनको मानते नहीं, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब को जानते हैं और उनको मानते नहीं, तो सवाल है कि जो शोषण करने वाले लोग हैं वह तो जान करके भी अनजान बनेंगे ना, उनको तो बनना ही है। लेकिन यह चीज़ जो आज हम कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन नहीं सहेंगे, इस बात को जो हमारे पूर्वज जो कह गए हैं उसको बखूबी उन्होंने सही कहा था। इसलिए हम लोगों को जो मुख्य रूप से शिक्षित होना है, और जब हम शिक्षित होंगे तो सारा चीज़ सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने जो बात कहें, जगदेव बाबू के बात कहें, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, इनका कहने का तत्पर्य यह था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। आप देख रहे थे BRJT की जनता की आवाज़, मैं अखिलेश कुमार रवि रंजन जी के साथ।